नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है वो आता कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हम लोग प्राइमरी स्कूल से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और आज भी हम लोग वही करने वाले हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। तो यार, हम लोग जो पानी पीते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? कई लोग बोलेंगे कि मेरे कुएं से आता है, कई लोग बोलेंगे कि मेरे हैंडपम्प से आता है, कई लोगों का आंसर होगा कि भाई तालाब से, रिवर से आता है, और कई ऐसे भाई बंधु हैं जो बोलेंगे कि हमें तो मोदी जी देते हैं, हमें क्या मालूम। तो भाई, सब अपने आंसर अपने पास ही रखो, सबके आंसर राइट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डीपली इसको डिस्कस करते हैं। तो यार, जो हमारा पानी होता है ये हमें मिलता है पानी के सोर्सेस से। फॉर एग्जांपल, हमारा नदी हो गया, नाला हो गया, जोड़िया हो गया, कुआं हो गया, चापाकल हो गया, स्ट्रीम्स वगैरह हो गया, ये सभी हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं। तो इन सभी सोर्सेस में आखिर पानी आया कहाँ से? ऐसे ही तो कहीं से गिर नहीं गया होगा। जी हाँ, गिरा ही है पानी। एक्चुअली जब हमारा पानी गिरता है, यानी जब रेन होता है, ठीक है, पानी गिरता है तो इन सोर्सेस में पानी जो है जमा हो जाते हैं। तो इसी से हम लोग जो है वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे लिए सोर्स बन जाता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये पानी जो है हमारा रेन से आ रहा है, यानी कि बरसात से आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, जो रेन होता है यानी कि जो बरसात होता है, उसको मेन सोर्स ऑफ वाटर भी बोला जाता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और बाकी तो दुनिया भर के सोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, पब्लिक के डिमांड के लिए हम लोग कौन सा ऐसा सोर्स को यूज़ करते हैं जिसमें कि हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलता है। अब यार, जो रेन होता है वो भले ही मेन सोर्स ऑफ वाटर हो, लेकिन इसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो डेली पानी पीते हैं और पानी डेली गिरता है नहीं। तो दोस्तों, एज एन इंजीनियर हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग एक आइडियल सोर्स ऑफ वाटर चुने जिसके थ्रू हम लोग थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई कर सके बिना रोक टोक के। तो दोस्तों, एक आइडियल सोर्स ऑफ वाटर को चुनने के लिए हमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। फैक्टर नंबर वन, जो सोर्स ऑफ वाटर हम लोग चुनने वाले हैं उसमें इतना पानी हो, इतनी क्वांटिटी में पानी हो कि हम लोग का जो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल भर का डिमांड होता है पानी का, वो फुलफिल कर सके। फैक्टर नंबर टू, हमारे सोर्स का पानी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि उसमें हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह ना करना पड़े, और इससे हमारा जो है थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा क्योंकि ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा नहीं। फैक्टर नंबर थ्री, हमारा जो पानी का सोर्स है वो हमारे नज़दीक होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ज़्यादा दूर होगा तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, तो ये आइडियल नहीं होगा। बस यही तीन फैक्टर है यार, और क्या बोले। तो यार, अगर आपको ये तीन फैक्टर्स किसी भी वाटर सोर्स में मिल जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पानी तेल के मुकाबले सस्ता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, जिसको आपने बचपन में ग्राउंड वाटर के नाम से पढ़ा होगा, और दूसरा आता है हमारा सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, जिसका निकनेम है अंडरग्राउंड वाटर। तो दोस्तों, जो हमारा सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है उसका मतलब होता है जो सरफेस में रहता है, अर्थ के सरफेस पे जो वाटर होता है उसे हम लोग सरफेस सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, तो ये होते हैं हमारे सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। और दोस्तों, जो हमारा सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर होता है वो पानी हमें ज़मीन के नीचे मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है, अंडरग्राउंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हैंडपम्प, चापाकल, कुआं, वेल, ठीक है, फिर हमारे स्प्रिंग्स हो गए, इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज हो गए जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, पोरस पाइप्स, ग्लेरीज हो गए, फिर हमारे इनफिल्ट्रेशन वेल्स हो गए, तो इनको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, ये दोनों ही टाइप के जो सोर्सेस है ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही तरह से उपलब्ध हो सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, जिसके अंदर हमारे आते हैं स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स वगैरह। तो स्ट्रीम्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, जो स्ट्रीम्स होते हैं उनको हम लोग अपने गांव देहात के भाषा में, आपके वहाँ तो नहीं पता लेकिन हम लोग जोड़िया बोलते हैं, ठीक है, तो जो जोड़िया होता है उसको अंग्रेजी में स्ट्रीम्स बोला जाता है। तो यार, अब ये जोड़िया क्या होता है? ये दोस्तों छोटे छोटे नाले होते हैं जो, अरे नाला थोड़ा गंदा लग रहा है ना, ये छोटे छोटे रिवर्स होते हैं जो मिल करके बड़े रिवर को बनाते हैं, और ये दोस्तों मेनली पाए जाते हैं हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जब हमारा पानी पहाड़ों से रिसते हुए गिरता है तो ये जोड़िया के फॉर्म में, यानी कि स्ट्रीम्स के फॉर्म में गिरता है।
तो यार क्योंकि ये रेन वाटर होता है जो कि बहते हुए हमें मिलता है, तो इसमें क्वालिटी जनरली अच्छी ही होती है। इसको हम लोग एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसे पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है ऑल ओवर द ईयर एग्जिस्ट नहीं करते। गर्मियों में ये सूख जाते हैं, तो इसलिए ये जो है एक तरह से पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए गुड सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। तो यार यही होते हैं हमारे स्ट्रीम्स। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में, जो कि है हमारा रिवर्स। तो रिवर्स क्या होता है? नदी, बताने की ज़रूरत है नहीं, नदी सब लोगों ने देखा है। तो नदी जो है दोस्तों वो स्मॉल स्ट्रीम से मिल करके बना हुआ होता है, यानी कि छोटे छोटे जोड़िया जो है वो मिल करके बड़े बड़े नदी को बनाते हैं। तो नदी भी जो है वो एक तरह से कहें तो बारिश के ही पानी से स्ट्रीम्स बनता है, और स्ट्रीम्स के पानी से नदी बनता है। तो अगर स्ट्रीम्स का पानी पीने लायक है, तो ऑब्वियसली नदी का पानी भी पीने लायक ही होगा। तो नदी का पानी भी एज अ ड्रिंकेबल वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ होता है। और दोस्तों मोस्ट ऑफ नदियाँ जो होती है वहाँ पर साल भर पानी रहता है, इसलिए इसको एज अ गुड सोर्स ऑफ वाटर माना जाता है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए। और दोस्तों मोस्ट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम्स जो इंडिया में है वो नदियों का पानी ही यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण नदियाँ भी जो है वो अनछुई नहीं रही है। यार आज के टाइम पर ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर देते हैं नदियों में, और इसी के कारण नदी का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, और ये थोड़ा सा बीमारी भी फैलाता है। लेकिन जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इसके अंदर जो है दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट भी आता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो नदियों का पानी डायरेक्टली आपके पास नहीं जाता है, वो ट्रीटमेंट होने के बाद ही आपके पास जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे रिवर्स। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स में, जो कि है लेक्स। तो लेक्स क्या होते हैं? लेक्स यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में झील बोलते हैं। तो झील जो होता है दोस्तों वो एक तरह का नेचुरल रिजर्वॉयर हम लोग कह सकते हैं होता है, क्योंकि यार जो झील होते हैं वो नेचुरली चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पानी जो है स्टोर होके रह जाता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए। अगर झील बड़ा है तो हम लोग उसे एज अ गुड सोर्स मान सकते हैं। झील का जो पानी है दोस्तों ये भी आमतौर पर साफ ही होता है, क्योंकि ये भी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के पानी जमा होने के कारण ही बनता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से नेचुरल सेडिमेंटेशन भी होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी स्टिल रहता है, तो एक तरह से नेचुरल फिल्ट्रेशन भी हो जाता है। तो इसका पानी जो है वो साफ ही रहता है ज़्यादातर केसेस में। तो यार झील का पानी भी हम लोग एज अ पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि झील का पानी साल भर रहता है। तो यार ये थे हमारे झील, बोले तो लेक्स। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर में, जो कि है हमारा पॉन्ड्स। तो यार जो पॉन्ड्स होते हैं इनको हिंदी में हम लोग तालाब बोलते हैं। तो तालाब जो है कुछ नहीं है, छोटा सा लैंड होता है जहाँ पर कुछ गड्ढा नियन हो जाता है, तो वहीं पर जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण उसको तालाब बोला जाता है। तो ये जो है ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होता, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं होता, तो इसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो तालाब होते हैं दोस्तों ये छोटे मोटे विलेजेस में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये मेनली इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके टाइम में तालाबों का पानी जो है वो दाल बनाने में यूज़ होता था, लेकिन आज हम लोगों ने तालाबों का पानी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है। सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह यूज़ कर करके हमने जो है आर्टिफिशियल वाइटनेस डाल के तालाबों का पानी ब्लैक कर दिया है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज के टाइम पे हम लोग तालाबों के पानी को सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे तालाब यानी कि पॉन्ड्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स। तो दोस्तों रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? वही जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी एक जगह जमा हो जाता है। अब वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेक्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे जो डैम्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक रिवर से पानी जा रहा होता है, उसके पानी को एक जगह रोक देते हैं तो वो जमा हो जाता है। तो वही होता है दोस्तों हमारा रिजर्वॉयर, जहाँ पर पानी एक बड़े लार्ज क्वांटिटी में जमा हो जाता है। रिजर्वॉयर्स दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए एज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, क्योंकि ये फ्रेश होता है, पूरे साल भर रहता है, और इसको ज़्यादा जो है हमें ट्रीटमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है हमारे लिए, सस्ता भी होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, जो कि है सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। तो दोस्तों जो हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि जो सब सरफेस ऑफ वाटर होते हैं, वो हमारे ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं।
और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ वाटर भी होता है, क्योंकि ये साल भर मिलता है, फ्रेश मिलता है, गर्मा गर्म मिलता है, और इसका जो है फिल्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है, ना के बराबर इसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। पर कभी कभी ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिल जाते हैं जिनमें कि हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर कई सारे डिजॉल्व गैसेस एंड मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण वो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो हमारे एज अ डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ में नहीं आता है। बट बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस में, रेगुलर सभी केसेस में नहीं, एक्सेप्शनल केसेस में। तो चलिए देखते हैं कि सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड वाटर जब हमारा एक्सेस हो जाता है तो वो अपने आप ही फव्वारे की तरह ऊपर आने लगता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्प्रिंग्स दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ग्रेविटी स्प्रिंग जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है, और दूसरा होता है आर्टिशियन स्प्रिंग। इन दोनों में फ़र्क बस इतना होता है कि जो हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग होता है उसमें हमारा वाटर लेवल फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी कि उसमें उथल पुथल मचा हुआ रहता है, जबकि जो हमारा आर्टिशियन स्प्रिंग होता है उसमें हमारा वाटर कंसिस्टेंटली एक जैसा निकलते रहता है। तो दोस्तों आखिर इसका राज क्या है, इसमें भला ग्रेविटी के विरुद्ध ऑटोमेटिकली पानी ऊपर कैसे आ रहा है, जिस पानी को निकालने के लिए हमें चापाकल को कितने देर तक हिलाना पड़ता है, जेट पंप्स लगा के पानी को निकालना पड़ता है, उस पानी को ये इतनी आसानी से कैसे ऊपर फेंक दे रहा है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। तो दोस्तों इसका साइंस समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड में पानी जाता कैसे है। तो दोस्तों जब हमारा बारिश होता है तो आप लोग देखते होंगे कुछ पानी जो है बह जाता है और कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेता है। तो सोखने के बाद वो पानी रिश्ते रिश्ते जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद पानी जो है हमारे ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों हमारा अर्थ का सॉयल का लेयर जो होता है वो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली वो जो है हार्ड होते जाता है, और एक टाइम आता है जब वो बहुत ही हार्ड हो जाता है जहाँ से पानी जो है और नीचे नहीं जा पाता है। तो उस लेयर को हम लोग दोस्तों इम्परमिएबल रॉक्स बोलते हैं, और इस लेयर के नीचे हमारा पानी नहीं जा पाता, इसलिए वो पानी जो है हमारा ऊपर ही स्टोर होके रह जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो हमारा पानी है जो ग्राउंड के अंदर हमारा स्टोर हो रखा है, और इस स्टोर हुए पानी को हम लोग एक्वीफर्स बोलते हैं। तो दोस्तों स्प्रिंग्स में क्या होता है, किसी कारणवश अगर इन एक्वीफर्स में पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो वो पानी निकलने की कोशिश करता है। अब वो पानी और नीचे तो जा नहीं सकता, तो वो पानी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन जब आगे की तरफ उसे कोई ऑब्स्टिकल मिल जाता है तो वो आगे भी नहीं जा पाता, और वो पानी दोबारा से पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि पीछे में और पानी है। तो बच जाता है सिर्फ एक ही रास्ता, और वो है ऊपर का रास्ता। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो पानी होता है वो स्प्रिंग्स के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, और हमें खूबसूरत और गर्मा गर्म स्प्रिंग्स देखने को मिलता है। अब जो दोस्तों हमारे स्प्रिंग्स होते हैं इनका पानी गर्म भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों उस एरिया के मिट्टी पर। अगर उस एरिया की मिट्टी में ज़्यादा सल्फर की क्वांटिटी होगी तो वहाँ पर हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो हमें ऐसे ही मॉडरेट टेम्परेचर में वाटर जो है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे स्प्रिंग्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर में, जो कि है हमारा इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज। तो इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज होते हैं ना, ये एक्चुअली में एक तरह के टनल टाइप के होते हैं, गुफा जैसे, जो कि किसी रिवर के साइड में बनाया जाता है, यानी कि जो रिवर का बैंक होता है उसमें बनाया जाता है, और इस पर जो है हमारा पानी रिसते हुए आता है, इसीलिए इसका नाम है इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये इनफिल्ट्रेशन ग्लेरीज है इनके अंदर का पानी बहुत ही फ्रेश होता है, और इनको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो अब हम लोग आते हैं आगे अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर में, जो कि है हमारा पोरस पाइप गैलरीज। तो दोस्तों ये भी इनफिल्ट्रेशन गैलरीज से काफ़ी सिमिलर होते हैं, ये भी रिवर बैंक्स में खोद करके बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टनल नहीं होता, यहाँ पर होते हैं पाइप्स, ठीक है, इसलिए इनका नाम है पोरस पाइप गैलरीज। तो इन पाइप्स में हमें जो है इनफिल्ट्रेट वाटर मिलता है जो कि हम लोग एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पोरस पाइप गैलरीज। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर सोर्स में, जो कि है हमारा वेल्स। वेल्स यानी कि कुआं। तो कुआं जो है क्या होता है, कुआं ये होता है। तो दोस्तों जो हमारा कुआं है वो ग्राउंड में एक तरह का वर्टिकल होल होता है, जिसमें कि हम लोग
पानी को कलेक्ट करके रखते हैं, या फिर एक तरह से ग्राउंड वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट होके वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों कुआं। आप फिगर देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। ये जो कुएं होते हैं दोस्तों, ये स्मॉल विलेजेस में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनका पानी एज अ ड्रिंकेबल सोर्स ऑफ वाटर यूज़ होता है, और इनके पानी को हम लोग एज एन इरीगेशन सोर्स भी यूज़ करते हैं, और कभी कभार कुछ जुनूनी लोग इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे वेल्स। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल्स। तो इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि समर के टाइम जब भी कोई ऐसा वाटर सोर्स सूख जाता है, फॉर एग्जांपल कोई छोटे मोटे पॉन्ड्स हो गए जो कि गर्मियों में सूख जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे कुएँ पॉन्ड के साइड में हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि हमारा पानी रिसते हुए आता है, या फिर कोई ऐसा नदी होता है जो सूख जाता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा मोटा गड्ढा कर देते हैं, कुआं टाइप का बना देते हैं, जिससे कि हम लोग वहाँ पर पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर में नदी सूखा हुआ रहता है, तालाब सूखा हुआ रहता है, लेकिन उसके नीचे का जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, उसमें तो पानी होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनफिल्ट्रेशन वेल्स को जो है बनाया जाता है कोई ऐसा सोर्स ऑफ वाटर के नज़दीक जो कि पहले वहाँ पे पानी था लेकिन अब नहीं है क्योंकि गर्मी से सूख गया है, इसलिए वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन वेल्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों यही थे हमारे इनफिल्ट्रेशन वेल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर। तो आई होप आपको जो है सब कुछ कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा सरफेस सोर्स एंड सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर का। तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप जो है इनका डिफरेंस देख सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, स्क्रीन पर आपको इसका जो है एक डिफरेंस टेबल जो है शो हो रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ये लेक्चर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।